नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। आज के दौर में महात्मा गांधी, उनकी विचारधारा और दर्शन कितना प्रासंगिक है, इस पर बहस होती रही है। अगर आज देश विदेश के हालात पर नजर डालें तो गांधी जिस दौर में काम कर रहे थे उससे ज्यादा आज प्रासंगिक नजर आते हैं। देश में राजनीति हो या फिर न्यायपालिका या फिर कॉरपोरेट दुनिया, हर जगह पर नैतिकता या फिर शुचिता पर बहस केंद्र में है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी गांधी का अहिंसा का सिद्धांत पहले से ज्यादा प्रासंगिक नजर आता है। अगर देश के हालात की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि महात्मा गांधी ने नैतिकता, पारदर्शिता और शुचिता के जो मानदंड स्थापित किए या जिन मानदंडों की बात की, उन पर जबरदस्त बहस हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों और संगठनों में गांधीवाद पर तर्क वितर्क हो रहे हैं। गांधी पर किसका दावा पुख्ता है, इस मुद्दे पर भी जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में नैतिकता और शुचिता के संदर्भ में गांधीवादी रास्ते पर चलने की बहस हो रही है, या फिर गांधी को राजनीतिक अवसरवाद के तहत एक प्रतीक या ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मुद्दे पर देश देशांतर में चर्चा के लिए हमारे साथ आज कई खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर मनोज झा दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं और प्रोफेसर आनंद कुमार भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। गांधी पर बहस होती रही और अभी के दौर में रिसेंटली अगर देखें तो गांधीवादी रास्तों पर बहस और तेज हुई है। खासतौर पर जिस तरह से टीम ने आंदोलन शुरू किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार केंद्र में आया और आज एक नए राजनीतिक दल का गठन भी हुआ, उस मंच पर भी गांधी की बड़ी तस्वीर एक पीछे लगी हुई थी। तो आज के दौर में गांधीवाद पर जो बहस हो रही है वो कितनी वास्तविक है? क्या एक तरह से एक सिंबल के तौर पर सिर्फ गांधी को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ब्रांड के तौर पर अपने राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए? सचमुच में गांधीवाद कितना प्रासंगिक है, इस पर गंभीर चिंतन हो रहा है? देखिए, गांधी जी का बहुआयामी असर है आज की दुनिया पर। एक तो उनकी जो सिद्धांत धारा थी, जिसमें उन्होंने जो सनातन सत्यों का एक समकालीन प्रस्तुतिकरण किया और उसमें राजचंद्र भाई और तलस्तॉय और रस्किन और थोरो को मिला करके सर्वोदय, सत्याग्रह, स्वदेशी, शरीर श्रम, अनासक्ति, ये सिद्धांत धारा एक सनातन महत्व की है। ये चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे कोई और हो, इसमें कोई इनकार करने की चीज़ नहीं है। दूसरी बात है उसका व्यावहारिक पक्ष, जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लेकर के 1948 29 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रम चलाए, वो देश काल पात्र के साथ एक संवाद था, प्रयोग था, हस्तक्षेप था। उनमें से कुछ काल की वजह से बाह्य हो गए, चरखा जी, लेकिन कुछ हैं जो आज और प्रासंगिक हो गए, जैसे गरीबी निवारण। वो जो उन्होंने तावीज दी, आखिरी आदमी औरत का ख्याल करो और फिर वो तुमको कसौटी मिल जाएगी कि जो करने जा रहे हैं सही है कि गलत है। तो पारमाणविक ऊर्जा से लेकर बड़े बड़े बांध तक, भारत ही नहीं, ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में, आखिरी आदमी और औरत कसौटी का आधार बन जाता है। और तीसरा है गांधी जी का निजी आचरण, एक बहुत ही मामूली, तरह तरह की वासनाओं से ओतप्रोत, जिंदगी में कुछ भी असाधारण नहीं। और वो व्यक्ति उठते 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 अपनी बुराइयों से लड़ता हुआ, अपने परिष्कार करता हुआ महात्मा बन जाता है। ये जो संभावना मनुष्य के अंदर निहित है जी, इसका वो शानदार प्रतीक है। असफलता से सफलता, साधारण से असाधारण, तो ये तीनों मिला करके आज गांधी को ऐसे दौर में, जब मार्क्स रूस में ही प्रेरणा स्रोत नहीं रह गए, माओ में आज चीन कुछ भी गुण नहीं देखता और अमरीका में लिंकन या जेफरसन की तूती नहीं बोल रही है, ऐसे में विश्व के स्तर पर जब भी परिवर्तन के लिए हम तलाशते हैं तब संवाद का रास्ता और संघर्ष का रास्ता सत्याग्रही बचता है। और धर्मों के बीच में जो इस समय निकटता और कट्टरता आ रही है, इसमें भी सर्वधर्म संभाव एक टाइम टेस्टेड सूत्र बन जाता है। तो मेरा जो सोच है वो ये कि गांधी जी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पटल पर देश और दुनिया में आपके बिना बुलाए वापस आ गए हैं। वापस तो आ गए हैं, लेकिन भारत में जो राजनीतिक बहस हो रही है, जिस तरह से गांधी पर दावे हो रहे हैं, वो कितने सत्य हैं? क्या जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो गांधीवादी रास्ते पर चलकर, सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर गरीबी को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, शुचिता और नैतिकता लेके आएंगे सार्वजनिक जीवन में, उसमें कितनी गंभीरता, कितनी सच्चाई? ये एक बड़ी जबरदस्त बात है।
क्योंकि गांधी जी का एक सतही इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि बैठ के आपने चरखा चलाया, नीम की चटनी खाने लगे, शाकाहारी हो गए, सिर मुड़ा लिया और आप गांधी के रास्ते पर चल दिए, आपने अहिंसा का त्याग कर दिया। लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह के साथ जो सूक्ष्म शर्तें लगाई थी, रचनात्मक कार्यक्रम, असहयोग और तब सिविल नाफरमानी, ये तीन सीढ़ियां चढ़ने का उनका तरीका था। और हर स्तर पर संवाद की निरंतरता, दुश्मन भाव तो था ही नहीं, जिसके वजह से गांधी जी को उनके जीवन काल में ही बहुत बार गलत समझा गया। अंग्रेजों से बात की, जिन्ना साहब से बात की, अंबेडकर साहब से बात की, कम्युनिस्टों से बात की, ईश्वर विरोधियों से बात की, लेकिन अपनी जगह पर वो लगातार चलते भी रहे। तो गांधी जी का जो ये सारांश है कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, मेरे विचार नहीं जी, कोई वाद में नहीं स्थापित कर रहा हूं, इसलिए आज जो गांधी पर दावा करते हैं, कोई उनकी पद्धति ले लेते हैं, कहते हैं हम सत्याग्रह में यकीन करते हैं, उस हद तक वो गांधी हो गए। दूसरे ने कहा कि हमको ग्राम की नवरचना करनी है, भारत रचना मतलब गांव रचना, वो उस हद तक गांधीवादी हो गए। तीसरे ने कहा सर्वधर्म संभव या दलित मुक्ति मेरा संदेश है, नर नारी समता मेरा आग्रह है, वो गांधीवादी हो गए। गांधी की संपूर्णता में तो गांधी खुद को भी अधूरा पाते थे जी। डॉक्टर मनोज, अभी जो मैं सवाल प्रोफेसर आनंद कुमार से भी कर रहा था कि अभी जो राजनीतिक बहस है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसमें जो गांधी पर दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ टीम अन्ना है, अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने आज एक नई पार्टी की घोषणा की है, वो भी दावा कर रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि सद्भावना यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी गांधी पर दावा करते हुए नजर आते हैं, उनके पीछे भी एक बड़ी तस्वीर गांधी की नजर आती है, जबकि उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि गुजरात में जो कम्युनल राइट्स हुए उसमें नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को निर्दोष नहीं कह सकते हैं, और गांधी जी जिनकी जिनकी जान गई सेकुलरिज्म के लिए, उस गांधी पर जब मोदी दावा करते हैं, तो इस बहस में जो दावेदारी है गांधी के ऊपर अलग अलग राजनीतिक दलों की या संगठनों की, वो कितनी सच्ची है, कितनी गंभीर है? मूलतः आनंद भाई ने ठीक ही कहा कि भारतीय समाज और राजनीति दोनों भी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, तो गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों आपको एक पैकेज में देखना होगा। मैं छोटी सी चीज अभी याद कर रहा था कि गांधी अक्सर रामराज्य शब्द का इस्तेमाल करते थे जी। और जब वो रामराज्य शब्द का इस्तेमाल करते थे तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी डरती नहीं थी, आहत नहीं होती थी, आतंकित नहीं होती थी। मेरा मानना है कि गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण था जब भारतवर्ष आजादी के झंडे लहरा रहा था दिल्ली में, वो नोआखली में दंगे रोक रहे थे। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक होगा, गांधी की पूरी कार्य पद्धति इस तरह की थी जिसमें उनके मैनरिज्म में और उनकी पॉलिटिक्स में फर्क नहीं था। मसलन मैं छोटी सी बात कहता हूं कि गांधी को यह टोपी लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि मैं आम आदमी हूं, वो आम आदमी दिखते थे। उन्होंने राजनीति को प्रभु वर्ग के दायरे से, इलीट के दायरे से जमीन तक लाए। और मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र अगर तमाम झंझावतों के बावजूद, तमाम जो नए सिरे से जो राम का परिवर्तन कर रहे हैं उनके बावजूद, अगर भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की शाख और जड़ें मजबूत हैं, तो मैं समझता हूं कि ये गांधी की प्रासंगिकता है। रही बात, एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब ब्रांडिंग आप गांधी की करते हैं तो आपको एंटीथेटिकल चीजें भी देखनी होगी। एक ही चित्र में आप गोलवलकर, सावरकर और गांधी को नहीं रख सकते। ये हिस्टोरिकल डिस्कम्फर्ट है, और इस डिस्कम्फर्ट को आप जितना बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं भारतीय मानस उतना विखंडित होगा। तो आज हम सब के लिए आवश्यक यह है कि गांधी का अनकॉल्ड फॉर जो एप्रोप्रिएशन है उसके खिलाफ भी एक लामबंदी की जाए। अगर आप गांधी का नाम लेते हैं, गांधीवाद की कस्में खाते हैं, तो आपके कृतित्व में कम से कम 10% गांधी दिखने चाहिए जी। मृदुला मुखर्जी जी, अभी प्रोफेसर आनंद कह रहे थे कि सत्याग्रह की उन्होंने बात की, आज के दौर में जिस तरह से सत्याग्रह के रास्ते को इस्तेमाल किया, चाहे वो टीम अन्ना हो, बाबा रामदेव हो, दूसरे जो लोग हैं, कितना मेल खाते हैं जो जो गांधी का सत्याग्रह का रास्ता था? देखिए, पहली बात तो सत्याग्रह शब्द जो है और उसके पीछे जो अर्थ है, जैसे आनंद भाई ने कहा, बहुत ज़्यादा व्यापक है वो, और उसको आप एक हंगर स्ट्राइक में नहीं कन्वर्ट कर सकते। आजकल जो हम देख रहे हैं, आप उसको नाम सत्याग्रह का दे रहे हैं, पर उसमें कोई भी सत्याग्रह वाली चीज़ नहीं है, ना किसी को पूरा विश्वास है उसकी सच्चाई में। गांधी जी के जब उन्होंने जो अनशन किए खुद, कभी ये तो सवाल किसी ने नहीं उठाया था कि ये सच भी है या नहीं है।
तो उसी से आप देख सकते हैं कि वो सत्याग्रह की जो बात है कि उसमें सारा मीनिंग ही ये है कि आप सत्य के ऊपर आग्रह कर रहे हैं, आपका जो अनशन है वो एक तरीका है ये बताने का कि मैं जो सत्य है उसके लिए कुछ भी करने को, अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। यहाँ पे तो आप 100 निगोशिएशन देखते हैं, कुछ बैक रूम देखते हैं, कुछ कितना कुछ देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से हम फास्ट अनटू डेथ, या फास्ट अनटू डेथ भी नहीं होता जी। वो 3 दिन चलेगा या 4 दिन, ये भी नहीं कि खुद को भी नहीं पता होता जी। तो कुछ थोड़ा सा बहुत हल्के फुल्के तरीके से सेकंड में आपको ये थोड़ा सा याद कराऊं, अब हम भूल गए हैं कि 1 साल पहले मीडिया में और दुनिया में मीडिया में अनाउंस कर दिया था कि दूसरा गांधी आ गया है जी। आज क्या हाल है, 1 साल भी आप लास्ट नहीं किए। लीडरशिप की एक बात होती है, आनंद भाई बहुत समझेंगे, ये खुद बहुत लीडर रहे हैं, कि लीडरशिप तब आप हम मानते हैं जब वो सरवाइव करती है कुछ देर के लिए जी। एक दिन के लिए लीडर बन गए, पॉलिटिकल पार्टी आज बन गई, कल उसका पता ही नहीं कि कहाँ पे, मैं घर में भी अपने खोल सकती हूँ। प्रोफेसर प्रोफेसर आनंद कुमार से पूछते हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार क्या कारण है कि जब मृदुला जी जो दूसरे गांधी की बात कर रहे हैं वो सीधा अन्ना हजारे की तरफ इशारा कर रही हैं, क्या कारण है कि अन्ना हजारे को मीडिया ने वो स्पेस दिया शायद उस वक्त जो वो डिजर्व करते थे या जिसकी जरूरत थी, या डिजर्व नहीं करते थे शायद उतनी देने की जरूरत नहीं थी, जो भी वजह रही, और हजारों की तादाद में उनकी कॉल पर लोग आए, एक आंदोलन खड़ा हुआ था कम से कम शहरों में मिडिल क्लास के बीच में, वो एक कौतूहल पैदा करते हुए नजर आए, क्या कारण है कि सस्टेन नहीं कर पाए? देखिए, अन्ना हजारे की जो भूमिका थी वो उस शून्य को रेखांकित करने की भूमिका थी जो कि हमारे संसदीय जनतंत्र में प्रतिपक्ष ने पैदा कर दिया था। आज भारत की राजनीति में कोई विरोधी दल जैसी चीज नहीं है, या तो वो क्षेत्रीय सरकारी दल है या राष्ट्रीय सरकारी दल है, और कोई भी संपूर्ण सरकारी दल भी नहीं है क्योंकि वो गठबंधन में सरकारें चला रहे हैं। तो नतीजा ये है कि इस गड्ढमड्ड में जो आधा अधूरा शासन चलता है उसको चिन्हित करना, उसकी समीक्षा आलोचना करना, ये संसद की भूमिका रहती है प्रतिपक्ष की। वो कोई कर ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर आप दिल्ली के बारे में बोलेंगे तो फिर गुजरात की चर्चा होगी, आप गुजरात के बारे में बोलेंगे तो फिर बंगाल की चर्चा होगी। ऐसे में अन्ना हजारे एक उस विरासत से आए जहाँ पर गाँव में बैठ करके आप देश को जोड़ते थे, और उन्होंने पिछले 30 साल महाराष्ट्र में राजनीति में और सरकार में जो भ्रष्टाचार था उसमें एक लामबंदी की थी, और गांधीवादी तरीके से की थी। पहले उन्होंने सेना से रिटायर होने के बाद, बहुत कम पढ़े लिखे आदमी है, सरिजा 7 पास है, गांव के संकट को समझा और एक तरफ पानी का इंतजाम किया और दूसरी तरफ शराब को रोका जी। मंदिर का इस्तेमाल सामाजिक सद्भाव के लिए किया, फसलों को बदला, ये सब गांधी जी का दिखाया रास्ता था कि गांव में दुनिया है और दुनिया में गांव है जी। उसके बाद उन्होंने हस्तक्षेप किया, और जो राज्य के स्तर पर गांव को प्रदूषित करने वाली नीतियां थी, खासतौर पर भ्रष्टाचार, उसमें उन्होंने 6-6 मंत्रियों के विकेट ले लिए और किसी का विरोध कभी नहीं किया। वो कोई कांग्रेस विरोधी या कांग्रेस एजेंट नहीं थे, और भारत सरकार लेकिन आनंद कुमार जी, सवाल ये है कि क्या कारण है कि उन्होंने गांधीवादी तरीके अपनाए, उन्होंने गांव को शहर से जोड़ा, उन्होंने सत्ता को मजबूर किया अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन क्या कारण है कि जब उनको गांधी से उनकी तुलना हो रही थी वो सस्टेन नहीं कर पाए? संक्षेप में मुझे ब्रेक पे जाना है। खाली दो बातें बता दें, एक तो उन्होंने खुद ही मना किया जी कि कहां गांधी, और मैं तो उनके पांव की धूल भी नहीं हूं, या आपकी जल्दीबाजी है कि गांधी, ये शायद उनका बड़प्पन है, लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़े थे उन्होंने गांधी, और उनमें जो बुनियादी फर्क था, गांधी एक राजनीतिक नेता भी थे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर ही नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस को उन्होंने जनसंगठन में बदला। अन्ना जी गांधी के संतई वाले पक्ष पर तो आकर्षित हैं, लेकिन राजनीतिक जो भूमिका होनी चाहिए उन गहरी जड़ों में उन्होंने कोई पानी कोई खाद नहीं डाली जी। इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गांधीवाद पर जो बहस हो रही है वो राजनीतिक अवसरवाद के तहत हो रही है या फिर उसमें कोई गहराई है। डॉक्टर मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आनंद भाई की बाकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन अन्ना और गांधी में जब ये पैरेलल्स तलाश रहे थे तो काफ़ी संजीदगी से उन्होंने अन्ना के पक्ष में काफ़ी, मेरा मानना है कि अन्ना बाजार की के उत्पाद के रूप में थे और बाजार पहली बार मैंने देखा कि गांधी का कमोडिफिकेशन हुआ। पिछले साल मैंने गांधी को वस्तुकरण कभी नहीं देखा था और कमोडिफिकेशन हुआ। ये मीडिया की जरूरत थी, पिक्चर ट्यूब से निकले हुआ अन्ना, इसलिए पिक्चर ट्यूब से निकली हुई कोई भी प्रोडक्ट बहुत दिन सस्टेन नहीं कर सकती क्योंकि उसका उसकी जड़ें कहीं समाज में नहीं होती। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि रेखांकित करने की आवश्यकता है कि गांधी अक्सर कहा करते थे धर्म को लेकर के, अपने व्यक्तिगत विचार को लेकर के, कि असहिष्णु और बहिष्कारवादी मैं नहीं हूं, चाहे अपने धर्म के लिए और अपने राजनीतिक विचार के लिए। अन्ना के माध्यम से जो लोग गांधीवाद को प्रचारित करने की, अपने खास गांधीवाद को प्रचारित करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने व्यक्तिगत आचरण में, अपने वाद विवाद में, बहसों में असहिष्णु थे। और मैं समझता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए असहिष्णुता गांधी जी को ट्रिब्यूट नहीं है। मृदुला मुखर्जी, टीआरपी की वजह से अन्ना को गांधी बनाया गया, क्या आप सहमत हैं इस तर्क से? देखिए, काफी हद तक ये बात सच है कि इसलिए, मुझे नहीं मालूम कि टीआरपी की वजह से बनाया गया नहीं, पर ये सच है कि जिस तरह का 24/7 कवरेज मिला वो कभी किसी और, इतने आंदोलन हुए हैं। आज पता है आपको इसका नतीजा का क्या हुआ है कि यंगर जेनरेशन, जो कि इतना उनको मालूम भी नहीं है कि 10 साल पहले कौन सा आंदोलन हुआ या 5 साल पहले भी कौन सा, वो आके समझते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहला आंदोलन हुआ। उन्हें जेपी मूवमेंट का नहीं पता, उन्हें नर्मदा बचाओ का नहीं पता, उन्हें नक्सलाइट मूवमेंट का नहीं पता, उन्हें 1950 के जो CSP के आंदोलन, जो सारे देश में पेजेंट मूवमेंट्स थे हमारे, उनको नहीं पता। वो सोचते पहली बार ये आंदोलन हो रहा है, पहली बार, क्योंकि वो मीडिया भी उस तरीके से, मीडिया वालों को भी नहीं पता जो उनको कवर कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि पहले कौन से आंदोलन, शायद पहली बार गांधी टोपी एक फैशन की चीज बनी जिस पर लिखा गया कलेक्टिव मेमोरी का इतना ब्रूटल, मतलब उस पर ब्रूटलाइजेशन हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सच कह रही थी, इतना डिस्टॉर्शन है कि जहां बात करते हम कहते भैया कम से कम इतना तो और कुछ तो भूल जाइए। मैं जेपी मूवमेंट की एडमायरर नहीं हूं, पर मैं ये तो कहूंगी कि जेपी आंदोलन उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब कोई, हम एक पेज पे भी नहीं उनको लिख सकते, एक लेक्चर देना मुझे कोई कहीं कंपेयर करो, मैं कहूंगी मैं कंपेयर ही नहीं करूंगी। पहले आंदोलन तो हो तब तो कंपेयर करें, अभी आंदोलन कहां है। प्रोफेसर आनंद कुमार, डॉक्टर मनोज झा जो कह रहे हैं कि एक तरह से वस्तु के तौर पर गांधीवाद को पेश किया गया, जिस तरह से टीम अन्ना का आंदोलन दिखाया गया 24 घंटे टीवी चैनल्स पर, उनको शायद टीवी चैनल्स की ये जरूरत थी, टीवी चैनल्स को शायद टीआरपी की जरूरत थी, इसलिए उस वक्त में अन्ना हजारे को गांधी बना के पेश किया और वो मीडिया की क्रिएशन थी, गांधीवाद की नहीं। देखिए, इसमें मुझे ये जरूर याद रखना होगा कि बावजूद मीडिया की तलाश के कि कुछ हो जाए, कोई जलवा पैदा कर दो, दिल्ली में अक्सर होता है, यहीं पर ही हुआ है, आत्मदाह की राजनीति हुई बच्चों की जी, यहाँ पर सिखों का मामला हुआ, यहाँ पर बाबरी मस्जिद के दौरान जाने क्या हुआ, लेकिन अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में भी और जंतर मंतर में भी एक बात पर गांधी की उंगली नहीं छोड़ी, और वो ये कहा कि शांति के साथ विरोध करना है। और निजी आरोपों का, जो गांधी ने एक लक्ष्मण रेखा बना रखी थी जी, कोई असंस्कार तरीका नहीं करिए, कोई जमीन की लड़ाई नहीं, बराबर कहते थे हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, वो भले आदमी है, नीतियां गलत है। तो अन्ना हजारे ने तो अपने को नहीं बदला जी, और इसीलिए शायद मीडिया के लिए आज वो दिलचस्पी की चीज नहीं है, क्योंकि वो भड़काऊ कोई बात नहीं कहते कि मैं जला दूंगा, अपने को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, काले झंडे दिखाओ, पीले झंडे दिखाओ। लेकिन जो मीडिया की अपेक्षा थी कि लगातार चढ़ता जाएगा पारा, पानी और उबलेगा जी, उसके बाद पेट्रोल उबलेगा और दिल्ली तहस नहस हो जाएगी, वो नहीं हुआ जी। तमाशा देखने हम भी गए थे लेकिन तमाशा नहीं हुआ।
ये अन्ना की खूबी है। डॉक्टर मनोज, प्रोफेसर आनंद कुमार ये कह रहे हैं कि गांधी से तुलना अन्ना हजारे की करना शायद वो खुद भी इससे सहमत नहीं है, और उनका कहना अन्ना हजारे खुद भी इस बात से सहमत नहीं है। वो प्रोफेसर आनंद कुमार कह रहे हैं कि अन्ना हजारे की अपनी सीमाएं हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, गांधी जैसा विजन उस तरह के बड़े पोलिटिकल लीडर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो गांधीवादी रास्ता था, वो सत्याग्रह का रास्ता था। आप उससे सहमत या असहमत? मैं असहमति रखता हूं, और तर्क के आधार पर। पहली बात तो मैं मानता हूं कि गांधी को समझने और जानने के लिए डिलीट और पीएचडी नहीं चाहिए। गांधी का जो तंत्र है, जो विचार तंत्र है, वो बहुत आसानी से आम जनता तक पहुंचता है। जो कह रहे थे आनंद भाई, मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूं, कई सारे स्टेटमेंट्स है, एक थप्पड़ मारा और नहीं मारा, ये गांधी की भाषा नहीं है। गांधी कभी भी, मैंने कहा, बहिष्कारवादी और असहिष्णु नहीं थे, अपने दुश्मन के लिए भी, वर्स्ट से वर्स्ट वायसराय के लिए कभी भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लॉर्ड इरविन के साथ कई दफा इस तरह की हुई, कभी गांधी ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। दूसरी चीज मैं इसमें खत्म करूंगा, जब आनंद भाई कह रहे थे लेनी रेफेंसल एक हिटलर की फिल्म मेकर थी, फिल्म बनाती थी, क्लोज एंगल शॉट्स मोन्टाज, जिसका इस्तेमाल मैंने अन्ना के आंदोलन में देखा, मैंने आज तक हिंदुस्तान में किसी आंदोलन में नहीं देखा। और मैं सहमत हूं मृदुला जी से जब ये कहती हैं, जन आंदोलनों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसको गांधीवादी कह करके, क्योंकि ये गांधीवादी था ही नहीं, दक्षिणपंथी इसके अंदर सिंबॉलिज्म था, दक्षिणपंथी भावनाएं थी, और वो दिख रहा जी। मृदुला मुखर्जी, ये जन आंदोलन इसको तब कहें अगर वो 6 महीने भी लास्ट किया हो। दिल्ली में हुआ उस वक्त, कई जगह छोटे मोटे कई कुछ हुआ, पर उसके बाद जब बंबई में हुआ कुछ महीने बाद, तो वहां पे 5,000 लोग नहीं आए, अगले दिन बंद करना पड़ा। कारण क्या है? कारण क्या है मृदुला जी, के वजह क्या है? इसके कारण तो बहुत सारे हैं। मेरी नजर में सबसे पहला कारण ये है कि आप एक ऐसे इशू को लेके, करप्शन के इशू को, एक तो सिंगल इशू है आपके पास, जेपी जो मैंने कहा मैं एडमायरर नहीं हूं, पर उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का नारा तो दिया, कम से कम कहा कि समाज पूरा बदलेंगे जी। यहां पे आप समाज बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप एक करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन एक मुद्दा है, हमारे और बहुत मुद्दे हैं हमारे समाज में। औरतों का क्या हाल है, फीमेल फीटिसाइड है, मैल न्यूट्रिशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड सिक्योरिटी है। अगर आप कहें कि इस देश को चलाएंगे सिर्फ करप्शन में बदलाव लाके, तो आप क्या अल्टरनेटिव दे रहे हैं? लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, यंग लोग खासकर, वो मीडिया का पूरा वो भी था, और लोगों में करप्शन के खिलाफ एक गुस्सा भी है, कुछ करने की इच्छा भी है, पर थोड़ी देर बाद लोग भी समझते हैं, सोचते हैं, देखते हैं। जो डिस्कशन होता है आपके टीवी चैनल्स में, कुछ लोग आके उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, कहां ये लास्ट आउट कर पाया मुझे बताइए, कि उसके बाद तो कहीं कुछ उसके बाद वो बात बनी ही नहीं। और फिर आंदोलन खुद ही कैसे बिखर गया? देखिए, आंदोलन की ये भी बात होती है कि उसकी जो कोर लीडरशिप है उसमें डिफरेंसेस जितने भी हों, कम से कम कुछ चीजों पे उनकी यूनिटी होती है, और ये होता है कि आंदोलन के लिए हम एक साथ प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, और आंदोलन में एक डिसिप्लिन होगा जिसको लेके आगे चलेंगे। यहाँ पे मुझे वो कोई भी चीज, वो डिसिप्लिन नहीं दिखाई देता, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाई देती, वो आइडियोलॉजी नहीं दिखाई देती, और समाज की एक समझ कि आप क्या करने जा रहे हैं। करप्शन का भी जो इश्यू है, आप मुझे कहीं विश्लेषण दिखा दीजिए कि हमारे समाज में करप्शन क्यों है। करप्शन इसलिए है क्योंकि लीडर करप्ट है, ये तो कोई कारण नहीं हुआ, ये तो सिम्टम है। करप्शन शॉर्टेजेस के कारण होती है, करप्शन आपके जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके स्ट्रक्चर्स नहीं है, करप्शन लोकपाल से चली जाएगी। आप मतलब कहां तक लोग उसमें विश्वास करेंगे कि लोगों को पीट के या जेल में भेज के या फांसी, कितने लोगों को फांसी चढ़ाएंगे, कितनों को जेल भेजेंगे, कितनों को फाइन करेंगे? हिंदुस्तान की तो सारी इस सिस्टम में शामिल है। प्रोफेसर आनंद कुमार जी के पास कैसे बदलेंगे जी? जी जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि अगर आप गांधी जी का रास्ता देखें, एक स्वतंत्रता आंदोलन की डिफरेंट स्टेजेस रहीं, कभी उन्हें पीछे भी हटना पड़ा, कभी उनको आंदोलन वापस लेना पड़ा, कभी उन्हें ऐसा लगा कि हार मान गए, कई सारे ऐसे मौके आए जब उनको पीछे हटना पड़ा अपनी मांग को लेकर, और एक लंबा दौर चला, और उस जो उनकी मांगे भी थी वो स्टेजेस में आई स्वतंत्रता की, और जो संपूर्ण आजादी की जब मांग आती है वो काफी
वक्त बाद आती है, लेकिन कहीं ना कहीं गांधीवाद के रास्ते की बात करते हुए टीम अन्ना या अरविंद केजरीवाल, जो भी आप उसको कह लीजिए, अब राजनीतिक दल का जब नाम आएगा तब आएगा, कहीं ना कहीं उन्होंने गांधीवादी रास्ते पर चलने का दावा किया, लेकिन जो सचमुच में गांधीवादी रास्ता था वो नहीं अपना पाए, वो एक तरह से अतिवादी हो गए, एक तरह से ब्लैकमेलिंग वाले रास्ते, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं सत्याग्रह के नाम पर। देखिए उनकी शिकायत तो उल्टी है, उन्होंने तो कहा कि हम तो संवाद से शुरू किया था, हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने 5 लोगों की कमेटी बना दी, हमने उसमें कोई शर्त नहीं रखी, हम भी 5 लोग गए, फिर लगभग 90% ड्राफ्ट पर तैयारी हो गई, और आज जो अन्ना जी का बयान है कि 5 लोगों में से कुल एक व्यक्ति की जिद की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद संसद ने उनको सलाम किया, प्रधानमंत्री ने उनका अभिनंदन किया, सर्वदलीय प्रस्ताव हुआ, और वही बात कुछ ही हफ्तों में फिर पलट गई। तो लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, ये इससे बेहतर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता था लोकतंत्र का, कि पूरी संसद में लगभग हर दल ने खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया सर्वसम्मति से, जो बहुत कम देखने में, कम से कम रिसेंट हिस्ट्री में तो देखने में नहीं आता कि संसद में ऐसी सहमति बनती है। इतना बड़ा सम्मान जिस सर्वोच्च संस्था ने दिया, उस संस्था का मजाक उड़ाया गया, उसको कहा गया ये करप्ट लोगों से भरी हुई है। अब ये तो देखिए चुनाव आयोग का कहना है कि 162 लोग 543 में से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोपों की चार्जशीट है। ये अन्ना का दिया हुआ फिगर नहीं, ये तो चुनाव आयोग का दिया फिगर है। हर पार्टी के अंदर ये लोग जानते हैं कि कुछ लोगों को मजबूरी में पार्टी का टिकट मिला है, और ये पार्टी के सिद्धांतों की वजह से नहीं है। छोटी पार्टियों में तो ऐसे लोग ज्यादा तादाद में जी। और जो जहां तक मनी पावर और मीडिया पावर की बात है, जिन्होंने चुनावों को बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के चुनाव से बदल दिया, ये सभी पार्टियों की शिकायत है कि आज चुनाव जनतांत्रिक दर्पण की बजाय जो स्थापित हितों का समन्वय और बीज गणित और रंग गणित है उसका खेल हो गया जी। बहुत संक्षेप में 30 सेकंड मेरे पास, 30 सेकंड में ही कह रहा हूं, गांधीवादी राजनीति तब होती जब 5 व्यक्ति खुद को सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा ना घोषित कर देते। बहुत बड़ा देश है 120 करोड़ का, और 5 व्यक्ति तय कर लें कि वो सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं समझता हूं ये गांधीवाद का मखौल है, ये गांधीवाद है ही नहीं जी। तो कुल मिलाकर देश देशांतर में हमारे सभी मेहमान ये मानते हैं कि गांधी आज के दौर में बेशक प्रासंगिक हैं, लेकिन गांधी के क्या रास्ते हैं उनका गहन अध्ययन करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और तब उनको लागू करने की जरूरत है। सतही तौर पर गांधीवाद की बात करके या उसको लागू करने की बात करके आप देश या समाज का कोई बहुत भला नहीं कर पाएंगे। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं, कल इस समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।